राजस्थान में 20 अप्रैल से संशोधित लॉकडाउन शुरू होने वाला है। किस पर पाबंदियां रहेंगी और किस पर छूट रहेगी, इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने जारी की है। हम आपको यहां बता रहे हैं पूरी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी गतिविधियां निषेध रहेंगी, यानी कि बंद रहेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी, कोई हवाई यात्रा नहीं हो पाएगी। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो, रेल सेवाएं बंद रहेंगी। चिकित्सीय उपकरण को छोड़कर किसी अन्य राज्य या शहर में कोई भी यात्रा नहीं कर सकेगा। एक शहर से दूसरे शहर में भी आप यात्रा नहीं कर सकोगे। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्यापन कक्षाओं को प्रोत्साहन के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं, यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू रहेंगी, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थाएं हैं वह बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां जो बड़ी हैं वह बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ये सभी बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित ये बंद रहेंगे। कैब समूह जितनी भी, ओला कैब, उबर कैब जितनी भी है, ये सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि आदेश के तहत होम डिलीवरी, ई कॉमर्स और कुरियर सर्विस अनुमति की श्रेणी में आते हैं, यह हो सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग हो सकेगी और जो कुरियर सर्विस है वह भी हो सकेगी। इन्हें पास राजकोप सिटीजन ऐप अथवा eapp.rajasthan.gov.in पर अप्लाई करने से पास प्राप्त हो सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि निम्नानुसार अनुमति श्रेणी में उद्योग के संचालन के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वह 20 तारीख से सारे खुल सकेंगे। दवाइयां, औषधियां, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्गीय उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं, छोटी इकाइयाँ हैं, वह खुली रहेंगी। खाद्य पदार्थ की फैक्ट्रियाँ, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा, दाल, चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी तरह के खाने के सामान की फैक्ट्रियां या घरेलू तरह के उद्योग चालू रहेंगे। उत्पादन इकाइयां जिनकी नियमित आवश्यकता है, कोयला एवं मिनरल्स उत्पादन खानों के संचालन खुल सकेंगे। केमिकल कारखाने उस समय जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता खुले रहेंगे। फार्म मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन इकाइयां एवं आपूर्ति श्रृंखला के सभी आइटम ये भी खुले रहेंगे, इनको भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खाद, बीज एवं कीटनाशक उत्पादन इकाइयां तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्तीय संबंधी इकाइयां ये भी खुली रहेंगी। पशु आहार एवं मुर्गी दाना उत्पादन इकाइयां, कच्चा माल एवं सप्लाई श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान यह भी खुले रहेंगे। सभी प्रकार उद्योग के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं तथा अन्य आइटमों के लिए जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी में आती हैं वे सभी खुली रहेंगी। एम्बुलेंस निर्माण, बॉडी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार की चिकित्सा वाहन जो भी कारखाने हैं वो खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं वह भी खुले रहेंगे। खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग खुल सकेंगे, इनको किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तेल एवं गैस का उत्खनन, परिष्करण, रिफाइनरी यह भी खुला रहेगा। सूचना तकनीकी के हार्डवेयर का भी जो भी निर्माण करते हैं वह भी खुले रहेंगे। रिको औद्योगिक क्षेत्र, फूड पार्क, मसाला पार्क एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान ये खुले रहेंगे। सभी वस्तुओं के सभी भंडार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कंपनी के डिपो शामिल हैं, यह सामान चढ़ाने और उतारने के लिए न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टाफ यह भी सब खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे। उद्योग संचालन प्रारंभ करने से पूर्व जहां तक संभव हो संचालन प्रक्रिया हेतु श्रमिकों को अपने परिसर अथवा निकट
में कोई भवन हो उसमें ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यदि यह संभव नहीं है तो अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए संस्था की तरफ से परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यद्यपि इनको उद्योग संचालन हेतु अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन्हें वाहन से लाया एवं ले जाया जाएगा उसके लिए पास लेना जरूरी होगा। किसी भी उद्योग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को पृथक से आने जाने के लिए पास जारी नहीं किया जाएगा। पास के लिए राजकोप सिटीजन ऐप अथवा ई ऐप डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन पर अप्लाई करना होगा। रिको औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रबंध रिको उदयपुर द्वारा पास जारी किए जाएंगे तथा अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उदयपुर द्वारा पास जारी किए जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम राजस्थान राज्य भंडार गृह निगम द्वारा स्वयं के या किराए पर लिए गए गोदाम के लिए पास जारी किया जाएगा। परिवहन गोदामों व गोदामों आदि के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पास जारी किए जाएंगे। पास के लिए राजकोप सिटीजन एम अथवा ई कॉप राजस्थान डॉट इन जी ओ वी डॉट इन पर अप्लाई करना होगा। खनन क्षेत्र में उद्योग के संचालन हेतु अनुमति आवश्यक नहीं है। लिग्नाइट लैंड यानी कि जस्ता जिंक एवं कॉपर सहित प्रमुख खनिजों का खनन यह भी जारी रहेगा। खान द्वारा अनुमति के अनुसार अन्य खनिजों का खनन खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आर्थिक आपूर्ति हो सकेगी। जहाँ तक संभव हो श्रमिक अपने परिसर में रहेंगे अथवा निकटवर्ती भवन में ठहरने की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाएगी। किसी भी को भी अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चलाने के लिए पृथक से अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईंट भट्टे इस शर्त पर चला सकेंगे कि जो श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं वो वहीं रहेंगे। ईंट भट्टों के संचालन के लिए कोयला आदि अन्य सामग्री की आवश्यकता होने पर उनके लाने ले जाने के लिए पास के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। निर्माण स्थलों के पास नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के क्षेत्राधीन स्थलों के लिए सचिव नगर निगम प्रन्यास उदयपुर द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा समस्त क्षेत्रों के पास संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। ऐसे निर्माण की अनुमति होंगे जबकि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के आवास की व्यवस्था निर्माण स्थल पर ही संबंधित नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रतिदिन आ जाने के पास जारी नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन और नए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ की जा सकेंगी एवं शहरी क्षेत्र में केवल निर्माणाधीन गतिविधियां ही चल सकेंगी, यानी कि नए निर्माण की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें, कार्यशाला, टायर पंचर रिपेयर की दुकान और हाईवे पर भोजन के लिए ढाबे स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि की पास के लिए आवेदक को राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। राजमार्ग पर ट्रकों की मरम्मत के लिए कार्यशाला या दुकानें, टायर पंचर रिपेयर की दुकानें और भोजन के लिए उचित दूरी पर ढाबे जैसे 40 किलोमीटर पर आउटडोर खाने की सुविधा और परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें द्वारा किसी उपभोग खुली रहेंगी। किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है तो उसकी बिक्री नहीं की जाएगी, नहीं दुकान में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक समय पर छोटी दुकान में दो से अधिक एवं बड़ी दुकान में पाँच से अधिक ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालना अगर करते हुए नहीं पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। इस श्रेणी में आवेदक पास हेतु आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इन बिंदुओं जो बता रहे हैं वर्णित समस्त उद्योग, दुकान, कार्यालय अथवा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रमिक और कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। पाँच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। दोपहर के भोजन में श्रमिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। भोजन के लिए अवकाश भी श्रमिकों के लिए अलग अलग समय पर किया जाएगा। कार्यस्थलों को समय समय पर सैनिटाइजेशन करना आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा।
जहां पर एक से अधिक शिफ्ट में कार्य होता है तो शिफ्ट के मध्य का अंतराल 1 घंटे रखा जाएगा ताकि श्रमिक इकट्ठे नहीं हों। अंतराल में कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाएगा, श्रमिकों को इकट्ठा नहीं छोड़ा जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। सभी कार्यस्थलों पर तापमान जांच हेतु थर्मल स्कैनर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए अलग से एक रजिस्टर आपको बनाना होगा जिसमें सभी का तापमान प्रतिदिन रोज लिखा जाएगा। कोई भी बड़ी मीटिंग आयोजित नहीं की जाएगी। सभी को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। कैंटीन आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए एवं साफ और स्वच्छता संबंधी सभी को जानकारी प्रदान की जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं होने पर पालना नहीं होने का कोई बहाना नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह आदेश सर्वदृश्य ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। इसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना के लिए उपखंड अधिकारी अपने स्तर पर टीम बनाकर इसकी जांच कराएंगे। जिला मुख्यालय पर भी संबंधित विभाग जिन्होंने अनुमति जारी की है वे सभी इन निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं जांच करेंगे तथा पालना नहीं होने की स्थिति में तत्काल अनुमति निरस्त करते हुए नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन दिशा निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1867 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12/3/2020 के बिंदु संख्या 12 अपपद एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता के सक्षम प्रावधानों के तहत कार्रवाई में अमल लाई जाएगी। पास किस तरह जारी किए जाएंगे यह भी हम आपको बता देते हैं। जो कलेक्टर ने बताया कि आवेदकों को पास हेतु राजकोष सिटीजन ऐप अथवा eapp.rajasthan.gov.in पर अप्लाई करना होगा। जो लोग ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं उनके लिए तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति कर आवेदन के मदद के लिए सुव्यवस्था निश्चित करेंगे। गंभीर चिकित्सीय आपात मृत्यु की स्थिति में उपखंड अधिकारी ऑफलाइन पास जारी कर सकेंगे। तो ये थी 20 तारीख की लॉकडाउन की व्यवस्थाएं, जो 20 तारीख से जो लॉकडाउन संशोधित लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है। धन्यवाद। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।